फिल्म की शुरुआत होती है लंडन में फिल्म की हीरोइन मनु और उसके दो दोस्त बली और बुग्गू अब बूढ़े हो चुके हैं वो पिछले पच्चीस साल से इंग्लैंड में रहते और अब उन्हें फिर से अपने देश भारत में आना होता है लाख कोशिशें करने पर भी तीनों को भारत का वीजा नहीं मिलता तब मनु को अपने पुराने दोस्त हार्डि सिंह की याद आती है हार्डि सिंह पेशे से फौजी होता है वो भी अब बूढ़ा हो चुका होता है और लालटू पंजाब में रहता है मनु लंडन से पंजाब में हार्डि सिंह को कॉल लगाती है इतने सालों बाद मनु ऐ से बात कर हार्डी खुश भी होता है और खफा भी होता है मनु हार्डी से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है इक्कीस तारीख को दुबई आना हम वहाँ मिलते हैं मनु बुग्गू और बली को भी बताती है कि इक्कीस तारीख को हार्डी हमसे मिलने दुबई आ रहा है वो कुछ भी जुगाड़ करके हमें वापस भारत ले ही जाएगा बुग् और बली भी भारत जाने के लिए बेकरार होते हैं बली अपना लंदन का टेलर का शॉप बेचता है बुगु भी अपनी होटल की नौकरी छोड़ता है क्योंकि दोनों को भी हमेशा हमेशा के लिए लंदन छोड़कर अपनी मातृभूमि भारत देश में आना होता है आखिरकार मनु बुग्गू और बली तीनों हार्डी से मिलने दुबई जाने के लिए प्लेन में बैठते हैं और मूवी जाती है फ्लैश में और हमें पच्चीस साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है सन उन्नीसो पचानवे पंजाब का एक छोटा सा शहर लालटू मनु बुग्गू और बली जवान यानी यंग होते हैं मनु का घर गिर भी रखा होता है उसकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है इसलिए वो एक धाबी पर काम कर रही होती है बली सलून में काम करता था तो वही बुगू के घर की हालत भी खराब होती है उनके घरों के ऊपर एरोप्लेन बनाया जाता था मनु बुगू और बली लंडन जाने के लिए एक एजेंट के पास जाते ना ही अच्छा बैंक बैलेंस होता है ना ही प्रॉपर्टी होती है ना ही एजुकेशनल डिग्री होती है तो एजेंट कहते हैं उनको जुगाड़ करके ही लंडन भेजना पड़ेगा एजेंट बली को बताता है कि एक ब्रिटिश लड़की इंडिया आई है वो नशेड़ी है और उसके पास खत्म हो गए वो पैसों के लिए तुमसे शादी कर सकती है और इस तरह तुम्हें इंग्लैंड का वीजा मिल जाएगा बुगु को फर्जी डॉक्टर की डिग्री देकर कहता है कि तुम्हें इंग्लैंड का बिजनेस वीजा मिल जाएगा और मनु से कहता है कि इंडिया की वुमेन्स रेसलिंग टीम ओलंपिक के लिए इंग्लैंड जा रही है उनका कोच मेरा खास दोस्त है एक्स्ट्रा प्लेयर में अगर तुमको डाल दिया तो तुम्हें इंग्लैंड का वीजा मिल जाएगा बस थोड़ी सी रेसलिंग सीखनी पड़ेगी मनु बुगू और बली तीनों एजेंट की बातों में आते हैं एजेंट तीनों से पैसा लेता है अब एंट्री होती है फिल्म के मुख्य हीरो हार्डी सिंह की हार्डी सिंह आर्मी का जवान होता है हार्डी लालटू रेलवे स्टेशन पर आता है हार्डी लालटू किसी को ढूंढने आया होता है जिसके हाथ पर चीते का होता है और जो मिल्का सिंह की तरफ भागता हो हार्डी उसको ढूंढते ढूंढते बॉबी बॉबीदा ढाबा पहुंचता है जहाँ पर मनु काम करती थी हार्डी खाना खाने ढाबे में बैठ जाता है मनु और उसके दोस्त बुग्गु और बली भी वहाँ पर होते हैं मनु अपने दोस्तों के साथ दो बजे रेसलिंग की प्रैक्टिस करने आखाड़े जाने वाली होती है पर उसका मालिक उसे छोड़ता नहीं इसके ऊपर से मनु और उसके मालिक के बीच झगड़ा होता है हार्डी यह सब देख रहा होता है जब मनु का मालिक उसे मारने आता है तो हार्डी बीच में आकर उसे बचाता है और उसके मालिक को नीचे पटकता है मनु इससे इंप्रेस हो जाती है और वो हार्डी से कहती है कि क्या आप मुझे इस तरह से कुछ गुस्से के डाव पे सिखा सकते हैं तो हार्डी उसे ना कहता है क्योंकि उसे हाथ पर चीते का टैटू होने वाले इंसान से मिलकर तुरंत रात को ट्रेन से फिर से जाना होता है हार्डी मनु के मालिक से उस इंसान के बारे में पूछता है तब मनु सुन लेती है और बताती है कि उस लड़के का नाम महेंद्र है और मैं उसकी बहन हूँ मनु अपने स्कूटर पर हार्डी को बैठा कर घर लेकर जाती है तब हार्डी को पता चलता है कि वो जिस इंसान को ढूंढने लालटू आया है वो मनु का भाई महेंद्र है लेकिन वो अब जिंदा नहीं है दरअसल मनु का भाई महेंद्र स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो एक दिन ओलंपिक में सिलेक्शन के लिए पठानकोट गया होता है वहाँ पर फौजी हार्डी सिंह की पोस्टिंग लगी होती है कोई घुसपेट या हार्डि सिंह पर हमला करता है उस हमले में घायल होकर हार्डी सिंह रोड के बाजू गिरा पड़ा होता है तभी महेंद्र वहां से गुजर रहा होता है वो हार्डी को देखता है वो हार्डी को तुरंत उठा कर अस्पताल लेकर जाता है और पूरा दिन वही रुकता है महेंद्र को उस दिन ओलंपिक में अपनी सिलेक्शन करवाने जाना होता है पर वो उसकी परवाह नहीं करता और हार्डी सिंह को लेकर अस्पताल जाता है और पूरा दिन वही रुकता है फिर वहां से लौटते समय महेंद्र का एक्सीडेंट होता है बदकिस्मती से उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई नहीं होता हार्डी सिंह महेंद्र का शुक्रिया अदा करने आया होता है उसे मनु के घर की हालत समझ आती है मनु भी हार्डी सिंह को बताती है की उसे इंग्लैंड में जाकर पाउंड में पैसा कमाकर अपना गिरवी घर छुड़वाना होता है तो हार्डी सिंह मनु को रेसिंग सिखाने राजी होता है हफ्ता बीच जाता है हार्डी सिंह मनु को रेसलिंग के दाव पे सिखाता है एजेंट के कहने से बली उस ब्रिटिश लड़की का फोटो लेकर उसे शादी करने जाता है लेकिन वो लड़की तो वहाँ पर नहीं होती पर पता चलता है कि और भी बहुत सारे लड़के उसी लड़की का फोटो लेकर शादी करने आए होते हैं एजेंट ने बली की तरह और भी लड़कों से पैसे लेकर उन्हें चूना लगाया होता है बुग्गू जब डॉक्टर की फर्जी डिग्री लेकर वीजा ऑफिस पहुंचता है तब वहाँ का वीजा ऑफिसर उसे डॉक्टर की डिग्री के बारे में सवाल पूछता है और जाहिर सी बात है जिसका जवाब बुग्गू को देना नहीं आता उसका वीजा भी डिक्लाइन होता है फिर मनु बुग्गू बली और हार्डी सब एजेंट के ऑफिस चले जाते तो एजेंट का ऑफिस पूरा खाली होता है एजेंट सबसे पैसे लेकर भागा होता है सभी के पैसे डूब जाते हैं मनु बुग्गू का इंग्लैंड जाने का सपना टूट जाता है बुग्गू अपनी दादी की कसम लेता है कि अगर फिर से उसे लंडन जाने के बारे में सोचा तो उसकी दादी मर जाएगी और फिर वही होता है बुगु लंडन जाने के बारे में फिर से सोचता है और उसकी दादी गुजर जाती है दादी के अंतिम संस्कार में ही बुग्गू इंग्लैंड जाने का 50% परसेंट ऑफ का बोर्ड देखता है और उसके पीछे चला जाता है तब हार्डी बुग्गू और बिल को समझाता है कि मनु के साथ में तुम दोनों को भी इंग्लैंड पहुंचा दूंगा इसके लिए मेरे पास एक प्लान है एक इंग्लिश की एग्जाम होती है आई एल टी ई एस वो एग्जाम देकर तुम्हें स्टूडेंट वीजा मिल जाएगा और तुम सब इंग्लैंड जा पाओगे इसलिए हमें लालटू का बेस्ट इंग्लिश टीचर ढूंढना होगा फिर हार्डी मनु बुग्गू और बली के साथ खुद भी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में एडमिशन लेता है उस क्लास में एक लड़का होता है सुखी सुखी को भी एग्जाम देकर इंग्लैंड का वीजा चाहिए होता है वो क्लास में बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करना चाहता था कोई हंसी मजाक नहीं पर टीचर ही तू बहुत ही से और स्लोली पढ़ाता था ऐसे एक बार भड़क कर सुखी क्लास से निकल जाता है हार्डी को भी सुखी के बारे में जानना होता है तो वो एक रात मनु बघू और बली के साथ सुखी को लेकर दारू पीने बैठता है फिर सुखी अपने अंदर की बात बताता है की उसे गर्लफ्रेंड की शादी जबरदस्ती एक लंडन के एनआरआई से करवाई है और अब उसका पति उसे रोज मारता है सुखी के गर्लफ्रेंड ने एक बार उसे फोन करके कहा होता है कि मेरा पति मुझे रोज मारता है अगर तुम जल्दी मुझे यहाँ से लेने नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी इसलिए सुखी को जल्द से जल्द सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड को लाने लंडन जाना होता है पर उसे वीजा ही नहीं मिल रहा होता तो सुखी भी अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी होने वाली बीवी को एक लंडन के एनआरआई मंडप ऐसी

सिर्फ लोगों को इंग्लिश सिखाकर वीजा दिलाने का सपना दिखाकर पैसे लूटता था टीचर गीतू को भी होता है कि वो कितना गलत कर सुखिया पूरी तरह से फोन को राहत मिलती है बली बैंडी के साथ लंडन जाने निकलता है और फिर लंडन पहुंच जाता है अगले दिन सुखी लंडन से बली के कॉल का इंतजार कर रहा होता है वहाँ पर मनु बुगू और हार्ड भी होता है टीचर गीतू सुखी से मिलने आता है उसे सुखी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है वो सुखी को पता है मैं तुम्हें लंडन पहुंचाऊंगा डंकी रूट ऐसी रूट से बिना वीजा से लंदन जाना होगा उसके लिए बॉर्डर नदिया पहाड़ डेजर्ट पड़ेगा इसमें खतरा बहुत पच्चीस मैंने एजेंट को सुखी बहुत खुश हो जाता है उसने आत्महत्या कर ली बली यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत बाजू में होने वाले रॉकेल के सिगड़ी ऐसी खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर लेता है सुखी के मौत ऐसी हार्डी मनु बुगू और गीतू बहुत दुखी हो जाते हैं हार्डी सबसे कहते हैं कि सिर्फ एग्जाम में फेल होकर मिलने की वजह से सुखी की मौत हुई है अंग्रेज जब हमारे देश है तब हमने पूछा था क्या उनसे कि हमारी भाषा आती है क्या अब तो हम कैसे भी करके लंदन जाएंगे देखते हैं कौन रोकता है है हार्डी के सिर पर अब सबको लंदन लेकर जाने का भूत सवार होता है। वो डंकी रूट से लंदन जाने का तय करता है इसके लिए हार्डी अपना घर खेत सब बेच डालता है और एजेंट को पैसा देता है हार्डी के साथ और तीन लोग आते बम्पी चमेली और उसका भाई गुलाब अब हार्डी मनु बुग्गू चमेली गुलाब और बम्पी इन सब के साथ लंडन जाने निकलता है एक एजेंट उनको पाकिस्तान लेकर जाने वाला होता है फिर दूसरा एजेंट अफगानिस्तान पार कर वहां से ईरान ईरान से ट्रेन में बैठकर टर्की और फिर टर्की से पानी के जहाज में बैठकर इंग्लैंड पहले तो सभी छोटी सी बोट में बैठते और पाकिस्तान जाने के लिए निकलते लेकिन अचानक उन्हें नदी के बाजू ऊपर आर्मी की चेक पोस्ट दिखाई देती है पेशेंट कहते हैं और वो रात होने तक का वेट करता है फिर बाद में पाइप मुंह में डालकर पानी के अंदर सब रात भर चलते है बीच में पैर फिसल कर मनु के मुंह से पाइप निकल जाता है तो वो सांस लेने ऊपर आ जाती है चेक पोस्ट पर तैनात सैनिक को इससे शक होता है वो पानी में गोलियां मारता है पर जैसे तैसे सब बच जाते हार्डी अपना पाइप मनु को देता है आखिरकार सब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहुंच जाते हैं सबके शरीर आरोप आई होती है और हालत खराब हुई होती है हार्डी बली ने लंडन से भेजी हुई अपने घर और गाड़ी की फोटो सबको दिखाता है और लंडन जाने का हौसला देता है फिर आगे सब ठंड कंटेनर में कभी पहाड़ों से कभी गाड़िया बदल बदल कर अफगानिस्तान से ईरान बॉर्डर पहुंच जाते हैं इन सब में दो महीने निकल जाते हैं और कई बार गोलियों बमों का आवाज कान पर पड़ता था अब ईरान के रेगिस्तान में दो दिन चलकर टर्की के लिए ट्रेन पकड़नी होती है हार्डी मनु बुग्गू गुलाब चमेली बम्पी ऐसे छह जन बड़े से सुनसा रेगिस्तान में चलने लगते है अचानक वहाँ पर ईरानी सैनिकों की गाड़ी आती है वो हार्डी और सबको रोकते हैं तो वह सैनिक गुलाब चमेली और बम्पी को जाने के कहता है पर हार्डी उन्हें रोकता है क्योंकि हार्डी को पता होता है कि ये तीनों यहाँ से भाग तो ईरानी सैनिक उन्हें स्नाइपर से गोलियां मार देगा और वैसा ही होता है ईरानी सैनिक दूर से चमेली गुलाब और बम्पी को स्नाइपर से गोलियां मारकर मार डालता मार है अब हार्डी मनु और बुगू तीनों ईरानी सैनिकों के गिरफ्त में होते हैं वो उन्हें एक टेंट में लेकर जाते हैं मनु को देखकर एक ईरानी सैनिक की नीयत खराब हो जाती है वो उसे टेंट के अंदर ले जाता है हार्डी मनु को जाने कहता है और फिर चुपके से आकर हार्डी उस सैनिक को मारता है और फिर बाकी के दो सैनिकों को भी मार डालता है इस तरह से मनु और बुग्गू को लेकर वहां से भागता है उस रेगिस्तान में ही चमेली बम्पी और गुलाब का अंतिम संस्कार किया जाता है मनु भुगुआ हार्डी टर्की जाने के लिए ट्रेन पकड़ते वो ट्रेन कोयले की ट्रेन होती है तीनों कोयले के ऊपर बैठ जाते हैं तभी हार्डी अपने प्यार का अपने प्यार का का इजहार इजहार मनु मनु से 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 करता है है और भी अपने हार्डी करती उसके बाद तीनों ट्रेन उतर जाते हैं फिर से बर्फीला पहाड़ पार कर सड़क से टर्की के बंदर पहुंच जाते हैं वहां से बड़े से जहाज में कंटेनर के अंदर चले जाते हैं उन कंटेनर में पहले से उन तीनों जैसे बहुत से लोग थे वहीं पर खाना पीना सोना सब कुछ करना होता है कंटेनर की हालत एकदम गटर जैसे हो गई थी और उसमें करीब सत्ताईस दिन तक रहते हैं और बाद में आखिरकार इंग्लैंड पहुंच ही जाते हैं वहां से भी एक कार अंदर हार्डी मनु और बुग्गू को छुपाया जाता है और लंदन से दूर कहीं गांव में छोड़ा जाता है आखिरकार हार्डी मनु बुग्गू इतने सारे स्ट्रगल के बाद इंग्लैंड के सर जमीन आरोप पहुंच ही जाते हैं तीनों बिल को ढूंढने लंदन जाते उन्हें आखिरकार मिल जाता है पर लंदन के सड़कों पर पेंट लगाए स्टैचू बना हुआ और लोग उसे पैसे दे रहे होते बलि को यह करता हुआ देख तीनों के होश उड़ जाते हैं फिर बली तीनों को अपने साथ लेकर जाता है जहाँ पर वो रहता था वो जगह लंदन शहर से काफी दूर होती है चाली जैसा छोटा घर इतने छोटे घर में करीब बीस पच्चीस लोग रहते थे जो हार्डी बुग्गू मनु जैसे डंकी रोड से आए हुए होते हैं बली के पास स्टूडेंट वीजा है डिग्री फर्जी होती है अगर कहीं पकड़ा गया तो जेल भी हो सकती थी इसलिए वो भी छुप कर रह रहा था बली अपने घर झूठे फोटोज भेजता था उसके पास खुद का घर गाड़ी कुछ नहीं होता उसकी हालत बहुत खराब होती थी काम करने के लिए अच्छी नौकरी नहीं थी इसलिए कुछ भी भी काम करना पड़ता था वो भी पकड़े ना जाने के डर से हार्डी मनु बुगु को सच्ची हकीकत समझ आती है ये उनके सपनों का लंडन नहीं था यहाँ की हकीकत काफी भयानक थी हार्डी बली के ऊपर गुस्सा होता है की कैसे तुम्हारे जैसे लोग झूठी कहानियां बताते हैं जिससे पंजाब इंडिया से लड़के लड़किया यहाँ लंडन में आना चाहती है उसके लिए वो डंकी रूट से भी आते हैं और अपनी जान ते और यहाँ पर आ भी गए तो जिंदगी नरक जैसी बन जाती है रोज सुबह यहाँ पर एक गाड़ी आती थी जो सिर्फ हट्टे कटे लोगों को मजदूरी करने लेकर जाती थी बाकियों को साफ सफाई कत्तल खाने में काम अश्लील वीडियो की सीढ़ी बेचना ऐसा काम करना पड़ता था मनु और बुग्गू भी ऐसा काम करना चालू करते कुछ दिन बाद वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है तो सब वहाँ से भाग जाते हैं इसी तंग आकर हार्डी मनु से कहता है कि बस बहुत हुआ हम इंडिया वापस जाते हैं पर मनु हार्डी को रोकती है और कहती है कि बंदा है मेरा मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ तो हार्डी मनु की बात मान जाता है फिर हार्डी इंग्लैंड का नागरिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा ये जाने के लिए एक वकील से मिलता है जिसका नाम पटेल होता है वो वकील उन्हें तीन सोल्यशन बताता है पहला बैंक में एक डॉलर जमा कर इंग्लैंड का सिटीजनशिप ले सकते हैं दूसरा मनु किसी ब्रिटिश व्यक्ति से शादी कर सिटीजनशिप ले सकती है और फिर बाद में उसे डिवोर्स देकर हार्डी से शादी कर सकती है इससे दोनों को भी इंग्लैंड की सिटीजनशिप मिल जाएगी तीसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट से बना मांगना की हमें भारत में खतरा है इसलिए हम यहाँ आए हैं पर हार्डी को यह सोल्यूशन पसंद नहीं आता वो अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता था तो यह तय होता है की मनु एक ब्रिटिश लड़के ऐसी शादी करेगी तो वकील एक कंगाल ब्रिटिश लड़के को मनु ऐ से शादी करने के लिए लेकर आता है जो पाउंड में मनु शादी करने के लिए राजी हुआ मनु और उस ब्रिटिश लड़के की चर्च में शादी होती है और वो ब्रिटिश लड़का क्रिश्चियन शादी के रीति रिवाज से मनु को किस करने जाता है तब मनु मना करती है इससे हार्डी को गुस्सा आता है वो उस ब्रिटिश लड़के को और वकील दोनों को मारना चालू करता है और फिर शादी लगाने वाले फादर को भी मारने जाता है तो फादर जाता है और पुलिस को कॉल लगाता है पुलिस आकर सबको गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डालती है इस तरह से शादी करके सिटीजनशिप आने का प्लान भी फंस जाता है वकील पटेल हार्डी मनु बगू और बलि को जेल में मिलता है और कहते हैं की जब तुम सबको कोर्ट में लाया जाएगा तब जज को कहना की इंडिया में हमारी जान को खतरा है हमें यानी कि इंग्लैंड में लीगली रहने की व्यवस्था चाहिए फिर सबको कोर्ट में लाया जाता है जज पहले हार्डी को पूछता है हार्डी जज को सच बताता है की इंडिया में मुझे कोई खतरा नहीं है पर मुझे यहाँ रहना है वीजा नहीं मिला इसलिए डंकी रूट से यहाँ आया आपकी वीजा की वजह से मेरे दोस्त की जान चली गई हम यहाँ कोई आपका नुकसान नहीं करने आए है बल्कि काम धंधा करके यहाँ खुशी से रहने आए हैं ऐसी बहुत सारी बातें हार्डी जज को कहता है जज को भी हार्डी की बातें सही लगती है लेकिन वो भी कानून के बाहर कुछ कर नहीं सकता था जज ऑर्डर देता है की हार्डी इंग्लैंड में रह सकता उसे वापिस इंडिया भेजा जाए हार्डी मनु को कहता है की भी मेरे साथ इंडिया चलो पर मनु को तो यहाँ पर इंग्लैंड में रहना होता है वो जज से कहती है की मुझे यहाँ पर रहने के लिए असलम चाहिए बुग्गू और बली भी जज से वही मांग करते तो जज उन्हें इंग्लैंड में लीगली रहने की अनुमति देता है हार्डी को जब पुलिस लेकर जाती है तब मनु उसे भागीदौड़ी मिलने को आती है हार्डी को लगता है कि मनु भी उसके साथ इंडिया आ रही है पर मनु तो हार्डी से अपना ख्याल रखने और गुडवाई कहने आई होती है उसके बाद हार्डी तो इंडिया आ जाता है पर मनु बुग्गू और बली लंडन में रहकर सेटल हो जाते हैं पच्चीस सालों बाद तीनों को आखिरकार लंडन की सिटीजनशिप मिल जाती है पर अब उन्हें इंडिया फिर से आना होता है पर उन्होंने पच्चीस गवर्नमेंट से कहा होता है की उन्हें भारत में खतरा है इसलिए उन्हें अब भारत का वीजा नहीं मिल रहा होता है अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है मनु बुग्गू और बली पच्चीस साल बाद दुबई में हार्डी से मिलते हैं सभी एक दूसरे को मिलकर खुश होते है हार्डी को पता चलता है की मनु ने अब तक शादी नहीं की होती है सिर्फ हार्डी को इंडिया झूठी शादी की पत्रिका भेजी होती है ताकि वो शादी करे ना कि मनु का इंतजार बाद में मनु हार्डी को बताती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है कुछ महीने ही बचे हैं उसके पास उसने पच्चीस सालों से अपने माँ बाप को नहीं देखा होता उसे अब अपने देश अपने लोगों में जाकर आखिरी पल गुजारने सुनकर हार्डी को बहुत दुख होता है वो इंडिया टीचर गीतू को कॉल फिर गीतू उन्हें दुबई के एजेंट का नंबर देता है जो उन्हें डंकी रूट से इंडिया लाए साथ ही में हार्डी मनु बुग्गू और बली के लिए इंडिया से मोबाइल फोन और पंजाबी कपड़े मंगवाता है पार्सल से हार्डी मनु ऐ से कहते हैं हम सब इंडिया प्लेन से जाएंगे लेकिन उसने तो डंकी रूट से जाने के लिए एजेंट का नंबर लिया होता है जो की कंटेनरशिप में उन्हें पानी के रास्ते इंडिया लेकर जाने वाला होता है अब सच में कैसे इंडिया जाते हैं ये तो बाद में पता चले जाएगा उसके बाद हार्डी दुबई में एजेंट से मिलता है वो सब व्यवस्था करता है हार्डी मनु बुग्गू बली सब इंडिया से गीतू ने भेजे हुए पंजाबी कपड़े पहनते हैं और इंडिया के फोन खुद के पास रखते हैं तीनों जनखुद के इंग्लैंड के पासपोर्ट एजेंट को देते और फिर हार्डी के साथ कंटेनर में बैठ जाते हैं उसी समय एजेंट उनका फोटो निकालता है और सऊदी पुलिस को भेजता है तो सऊदी का पुलिस आकर हार्डी मनु बुग्गू और बली को कंटेनर से बाहर निकलता है जब वो पुलिस वाला उन सबसे नाम पूछता है तब मनु बुग्गू और बली अपना असली नाम बताते हैं तो हार्डी कहते है की तीनों झूठ बोल रहे इस लड़की का नाम है चमेली और ये दो लड़कों का नाम है बम्पी और गुलाब फिर हार्डी उस पुलिस वाले से कहता है की मैंने इनकी असलियत बताई तो मुझे छोड़ दो और इनको पकड़ो पर पुलिस वाला नहीं मानता अब सिर्फ हार्डी के पास ही पासपोर्ट होता है वो पुलिस वाले के हाथ से अपना पासपोर्ट लेता है और बाजू में समंदर में फेंक देता है हार्डी ये सब जानबूझ कर रहा होता है है। वो पुलिस वाले से कहता है कि मैंने आपकी इतनी मदद की अगर मुझे छोड़ देते और इनको पकड़ लेते तो आपका क्या जाता अब कैसे प्रूव करोगे कि हम इंडियन है हमें क्या हम यही बस लेंगे सालों साल निकल जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा इससे वो पुलिस वाला गुस्से से ट्रिगर हो जाता है वो पुलिस वाला कहता है कि सिर्फ दो हफ्तों में मैं प्रूव करू करूंगा कि तुम सब इंडियन हो और यहाँ से प्लेन से सीधा इंडिया भेजूंगा और हार्डी भी यही चाहता था दरअसल ये सब हार्डी और उस एजेंट का ही प्लान होता है कंटेनर को पुलिस के हाथों पकड़वाने का मनु भूगो और बलि इसके बारे में कुछ पता नहीं होता उनके पास अब ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं होता तो ब्रिटिश नागरिक होने का कोई सबूत भी नहीं होता हार्डी ने उन तीनों के नाम चमेली गुलाब और बम्पी बताए होते जो पच्चीस साल पहले उनके साथ लंडन जाने निकले होते पर उन्हें तो ईरानी सैनिक ने मार डाला होता है इसलिए दुनिया के लिए तो वो तीनों अब भी गुम ते वही इन तीनों की आइडेंटिटी पे मनु बगू और बली इंडिया जाने वाले थे फिर सऊदी से लालटू पंजाब में चमेली गुलाब और बम्पी इन तीनों के नाम से इंक्वायरी की जाती है तब उन्हें पता चलता है की सच में पच्चीस साल पहले एक लड़की जिसका नाम चमेली होता है और उसका भाई गुलाब और एक लड़का बम्पी ये तीनों लंडन जाने के लिए निकले थे इसके बाद सऊदी गवर्नमेंट मनु बगू और बली को चमेली गुलाब और बम्पी समझ कर हार्डी के साथ प्लेन से इंडिया भेजती है आखिरकार तीनों अपने सरजमीन पंजाब अपने देश आते अपने परिवार से मिलते सब काफी खुश होते उनके सामने पुरानी यादें आती है कि कैसे उन्होंने झूठे ख्वाब में 25 साल पहले देश छोड़ा होता है मनु को पता चलता है की हार्डी ने भी अभी तक उसकी राह में शादी नहीं की है टेरेस में घुटने पर बैठ हाथ में अंगूठी लेकर मनु को शादी के लिए पूछता है तो मनु हा कहती है हार्डी मनु से कहता है की मेरे लिए पच्चीस साल का इंतजार ही डंकी था अब तुम ही मेरे इस डंकी को खत्म कर सकती हो लेकिन कुछ ही पलों में मनु की सास से रुक जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है और हार्डी फिर से अकेला पड़ जाता है फिल्म के आखिर में हमें डंकी की हकीकत बताई गई है कि कैसे हर साल लाखों लोग अच्छी लाइफ जीने का ख्वाब लेकर गैर कानूनी तरीके ऐसी डंकी रूट लेकर जिसे डॉकी फ्लाइट भी कहा जाता है यानी की कोई भी जुगाड़ कर जंगल से पैदल पहाड़ों से पानी के रास्ते से बॉर्डर से जमीन के अंदर से किसी भी तरह से यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज में जाना चाहते हैं कईयों की मौत हो जाती है और लाशें भी नहीं मिलती उनके परिवार को पता भी नहीं चलता कि वो जिंदा है या नहीं एक साल पहले तो किसी भी देश जाने के लिए वीजा नहीं था पर अब सिर्फ गरीबों के लिए देश की सीमाएं बंद है अमीर जहाँ चाहे उस देश में रह सकते हैं इस तरह और भी गंभीर मुद्दों को फिल्म में निर्देशित किया गया है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद